हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो स्वास्थ्य में। और ये जो डिजिटल योगा फेस्ट हो रहा है, इसमें सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जड़ से जुड़ें। और मैं डॉक्टर प्रताप चौहान, डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद, आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा आयुर्वेद के बारे में कि किस प्रकार से जो है हम आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जो प्रकृति है उसको हम जान सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आयुर्वेद का ये। नॉर्मली जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि कुछ जो है कुछ हमें कोई घरेलू नुस्खा मिल जाए या कोई जड़ी बूटी के बारे में पता चल जाए। अभी भी मैं देखता हूँ कि हमारे भारत में भी जो कि जहाँ ये हमारा जो आयुर्वेद का जन्म स्थान है, यहाँ पर भी लोगों को आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। और जब हम विदेश में जाते हैं वहाँ आयुर्वेद के प्रति लोगों का बहुत लगाव है, वहाँ आयुर्वेद लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ सबसे पहले जो है लोगों के दिमाग में जो प्रश्न आता है वो कहते हैं जी हमारी जो है आयुर्वेदिक प्रकृति क्या है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक प्रकृति क्या चीज़ है। तो हमारा ये जो शरीर है पूरा, हमारी जो शरीर की जो रचना है, आयुर्वेद में लिखा है कि ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, यानी कि पांच तत्वों से ये बना है। आपने सुना भी होगा इसका, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। हर व्यक्ति का शरीर जो है उसमें ये पांच तत्वों का रेशो अलग अलग होता है। और इसी रेशो को जो जिस रेशो से हम पैदा होते हैं उसी रेशो को हमारी प्रकृति बोलते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की कार होती है, एक कार डीजल की कार है, एक पेट्रोल की कार है, एक सीएनजी से चलती है, एक कार जो आजकल इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है। तो ऐसे ही बहुत आवश्यक है हमें ये जानना कि ये मेरी जो कार है, ये जो मेरा ये जो पूरा शरीर है, ये कौन सी प्रकृति मेरी है। तो जो पंचमहाभूत की जो फिलॉसफी आयुर्वेद में है उसको जब हम आयुर्वेद में आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम तीन में डिवाइड कर देते हैं, जिनको कि हम तीन दोष बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। हालांकि वात, पित्त और कफ ये पंच महाभूत से ही बनते हैं। अगर हम वात को देखें तो उसमें वायु और आकाश की प्रधानता है, अगर हम पित्त को देखें तो उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, और जो कफ है उसमें हमारे पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। तो इसका क्या महत्व है, क्यों हमें जानना चाहिए कि मेरी प्रकृति क्या है? ये इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक यूनिक नेचर, एक यूनिक प्रकृति को लिए हुए हैं। और अगर हमें उसके बारे में मालूम नहीं चलेगा तो हो सकता है मैं अपनी प्रकृति के विपरीत खाना खा रहा हूँ, हो सकता है मैं एक्सरसाइज अपनी प्रकृति के विपरीत कर रहा हूँ। जैसे कि आजकल आप देखते हैं, आजकल एक जनरल सा ट्रेंड है कि भाई सबको स्लिम होना है, वेट लूज़ करना है, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ आजकल। हर आदमी जो है वेट लूज़ करना चाहता है, जो पहले से ही पतला है वो भी, उसको भी जो है वेट लूज़ करना है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जो है जिसकी कफ प्रकृति है, यानी कि जिसमें पृथ्वी और जल की अधिकता है, पृथ्वी और जल, अर्थ और वाटर की डोमिनेंस जिसके अंदर है, वो वेट लूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नेचर है, उसके शरीर का नेचर ऐसा है। कहने का मतलब ये, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक डीजल की कार है और आप ये कह रहे हैं नहीं मैं तो इसको पेट्रोल डाल करके चलाना चाहूँगा या इसमें मैं जो है इसको दूसरे टाइप की कार बनाना चाहता हूँ, वो बनेगी नहीं। जो उसका डिज़ाइन है वही डिज़ाइन रहेगा। या मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास एक एक ब्रांड की कार है, आप कहो नहीं मैं तो इसको दूसरे ब्रांड की बनाना चाहता हूँ। आपके पास है तो जो है मान लो आपके पास एक आपकी टोयोटा कार है और टोयोटा कार को कहो मैं तो इसको मारुति बनाना चाहता हूँ, छोटी सी पतली सी बनाना चाहता हूँ, तो वो तो नहीं बनेगी, वो तो जो कार है वही रहेगी। तो इसलिए जो है आयुर्वेद में यहाँ लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर कि सबसे पहली चीज़ अगर आपको स्वस्थ रखना है, क्योंकि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, आयुर्वेद के दो उद्देश्य हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशनम च। यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहें, अपने हेल्थ को मेंटेन रखें, और जो लोग रोगी हैं वो अपने रोगों को ठीक करके वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आए। तो इसके लिए जो पहला प्रिंसिपल है आयुर्वेद में ये है वो जानना कि आपकी प्रकृति कौन सी है। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के जो दोष हैं हमारे उनके अनुसार, उनमें तीन प्रकृति तो मुख्य हो गई हमारी,
एक वात प्रकृति होगी, एक पित्त प्रकृति होगी, एक कफ प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ, जो वात वाले हैं उसमें आकाश और वायु, ये जो जो हमारे एलिमेंट हैं स्पेस एंड एयर, वो ज़्यादा रहेगा। यानी कि उनका शरीर जो है नेचुरली दुबला पतला रहता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे दुबले पतले होते हैं, 5-6 बार दबा करके खाना खाते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन उनका वजन ही नहीं बढ़ता। बॉडी भी बड़ी हल्की रहती है, लाइट रहती है उनकी। बड़े चुस्ती फुर्ती वाले लोग होते हैं, एक जगह टिक करके भी नहीं बैठते, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो महाभूत अधिक हैं, डोमिनेंट हैं, उन्हीं महाभूतों का गुण हमारे शरीर में आता है। जैसे वायु है, अगर आप देखते हैं तो वायु क्या है, वायु जो है लाइट होती है, वायु मोबाइल होती है, वायु जो है थोड़ी कूल होती है, ड्राई होती है, ये उसके गुण हैं। तो ऐसे ही गुण जो वात प्रकृति के जो लोग हैं उनमें ये गुण मिलेंगे। उनके शरीर में, उनकी त्वचा थोड़ी आपको ड्राई मिलेगी, उनका जो है बॉडी काफ़ी हल्का होता है, लाइट होता है, वो उसके साथ साथ काफ़ी मोबिलिटी उनमें होती है, एक जगह टिककर नहीं बैठते। उनका माइंड भी जो है उसी तरह से होता है, माइंड भी बहुत तेज चलता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी थॉट्स आती हैं। कोई चीज़ अगर उनको करनी होती है तो मन में विचार आया तो वो करने जब चलते हैं उसको, जैसे ही करना शुरू करते हैं या बीच में जब पहुंचते हैं तो दूसरा आइडिया आता है। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे अपने, एक काम को फिनिश नहीं करते हो, फिनिश कर नहीं पाते, एक काम शुरू किया उसको बीच में छोड़ दिया, दूसरा काम शुरू कर दिया, और खाना कितना ही खा लो उनका वजन ही नहीं बढ़ता, पतले रहते हैं, उनकी जो है मसल्स ज़्यादा नहीं होती, फैट बॉडी में नहीं होता। इसके साथ साथ काफ़ी माइंड भी उनका इमेजिनेटिव होता है, बड़े अच्छे वो पेंटर होते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे जो है अगर कहें कहें एक तरह से हम, तो वो बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, क्योंकि थॉट उनकी अच्छी है, थिंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक जगह वो ग्राउंडेड नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, टिक कर नहीं बैठते। तो ये पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये रोग नहीं है, ये प्रकृति है उनकी, ये नेचर है, वो नेचर को बदल नहीं सकते। आयुर्वेद में लिखा है कि जब माता पिता के जो हमारे जो बीज होते हैं, जब वो संपर्क में आते हैं और जो गर्भधारण होता है, उस समय जो पिताजी का जो स्पर्म है, माताजी का जो एग है, उसमें जो डोमिनेंट दोष है वात पित्त कफ, या जो डोमिनेंट एलिमेंट है उसमें, उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारी प्रकृति है। फिर जो गर्भ जब मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर क्या खाना खा रही है, किस तरह का भोजन है, किस तरह का उसका जो है मानसिक लेवल कैसा है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट भी हमारी प्रकृति पर पड़ता है। लेकिन वंस वी आर बॉर्न विद सम प्रकृति, एक हमारा नेचर जो बन जाता है, फिर वो हमेशा पूरी लाइफ वही प्रकृति हमारी रहती है। यानी कि जो डोमिनेंट दोष हमारे शरीर में जन्म के समय पर हैं वही पूरे समय रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मेरी प्रकृति कौन सा है। उससे आपको अपने गुणों के बारे में पता चलेगा, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे लिए कौन से भोजन ठीक है, कौन से मेरे लिए लाइफस्टाइल ठीक है। जैसे मैंने अभी वात का जिक्र किया आपसे, तो अगर वात वाला कोई व्यक्ति है और उसको पता नहीं है कि मैं वात प्रकृति का हूँ, और वो उसको एक ऐसा जॉब मिल जाता है जहाँ उसको दिन भर जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर वायु है ज़्यादा, और जब वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, और ज़्यादा वायु बढ़ेगी उसकी। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में कि जिस गुण की अधिकता, जिन चीज़ जिन करेक्टरिस्टिक्स की अधिकता आपके अंदर है, अगर वैसी ही आपके लाइफस्टाइल में भी वही चीज़ें हैं, आपके भोजन में भी उसी तरह की चीज़ें, तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि होती है तो इम्बैलेंस हो जाएगा। आप एक अपने बैलेंस में हैं और उसका जब बैलेंस बिगड़ गया है, तो कोई चीज़ बढ़ गई है या घट गई है तो बैलेंस बिगड़ गया, तो उसी को रोग रोग बोलते हैं। वायु जब ज़्यादा हो जाएगी तो 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। तो इसलिए अपनी प्रकृति को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, और इवन अगर आपको अपने रोगों को दूर करना है उसमें भी प्रकृति का बहुत रोल है। खैर, वो दूसरा जो हिस्सा है जहाँ आपको रोगों को ठीक करना है, वहाँ तो आप चिकित्सक के पास जाएंगे, तो चिकित्सक आपको चेक करेगा, आपकी प्रकृति को चेक करेगा, उसके अनुसार उसको औषधि देनी है, उसके अनुसार उसको खाना पीना अपना देना है, उसी के अनुसार एक्सरसाइज आपको बताएंगे, उसी के हर चीज़ आपकी प्रकृति के अनुसार बताई जाती है। तो एक प्रकृति होगी वात प्रकृति। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व उनके अंदर होगा, तो ये जो अग्नि तत्व जब ज़्यादा होगा तो उनकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होती है। उनका बिल्ट जो है मीडियम होता है, नॉर्मली मीडियम बिल्ट होता है, और साथ में जो है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो हमारा पाचन है वो अग्नि से चलता है, तो उनकी फायर बहुत तेज होती है, खाना वो खा लेते हैं पच जाता है सब, पाचन की कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती,
भूख बहुत तेज लगती है उनको, जब खाने का समय हो उस समय खाना मिलना ही चाहिए उनको, अगर खाना नहीं मिलेगा तो कई बार वो थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है एक एंटरप्रेन्योर नेचर के होते हैं। पित्त वाले लोग जो हैं वो उनको कोई काम करना है तो वो करके ही छोड़ते हैं उसको, जैसे वात वाले शुरू करेंगे तो कई बार बीच में छोड़ के दूसरा शुरू कर लेते हैं, पित्त वाले शुरू करेंगे तो पूरा ख़त्म करके छोड़ेंगे उसको, और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि उनके अंदर एक आग है, उनके अंदर एक फायर है, और उनमें थोड़ा सा एक नेचर होता है, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, थोड़े बॉसी नेचर के होते हैं। आपने देखा होगा कई बार 5-6 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हालांकि उसको सब्जेक्ट के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ बोलना है उसको। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये पित्त प्रकृति के हैं। कोई भी प्रकृति जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रकृति अच्छी है ये खराब है, और जो प्रकृति है वो बीमारी नहीं है, ये भी समझ लीजिए, वो आपका नेचर है, यू आर बॉर्न लाइक दैट, आपके कंट्रोल में नहीं है अभी कुछ भी, वो जो जिस जैसे आप पैदा हुए ऐसे ही रहने वाले, उसको समझना जरूरी है, और समझ करके उसके अनुसार अपना अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट आपको चूज करना है। ऐसे ही कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं, कफ के अंदर जैसा मैंने बोला था शुरू में कि पृथ्वी और जल की अधिकता होती है, अर्थ एंड वाटर डोमिनेंट जो लोग, तो नेचुरली थोड़ा सा शरीर उनका भारी होता है, थोड़े से चबी होते हैं, कई बार देखा होगा कुछ लोग बड़े चुस्ती चुस्ती फुर्ती उनमें होती है लेकिन बॉडी उनकी थोड़ी हैवी होती है, पानी पिए तो वजन बढ़ जाता है, किसी प्रकार की डाइट कर लो उनका वजन कम ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ एंड वाटर काफ़ी डोमिनेंट है उनमें, थोड़े से स्टेबल होते हैं, स्टेगनेंट होते हैं, थोड़ा स्लो भी होते हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा फास्ट नहीं, सेडेंटरी होने की वजह से थोड़ा सा उनमें कई बार वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है उनका, और ज़्यादा पहले भी चबी होते हैं और वेट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत स्टेबल लोग हैं, रिलेशंस में भी स्टेबल होते हैं, दोस्ती करेंगे तो पक्की दोस्ती करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वात वाले जैसे जो अनस्टेबल मैंने बताए या वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, आज किसी से दोस्ती की कल तोड़ दी परसों किसी और से कर ली, कफ वाले ऐसे नहीं होते, कफ वाले जो लोग हैं उनकी दोस्ती भी पक्की होगी, उनके रिलेशंस भी पक्के होंगे, अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपका ये है जड़ जड़ से जुड़े, जड़ से जुड़ने के लिए कफ होना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और उसमें एक और गुण होता है बात, ये काफ़ी ज़्यादा उनमें शक्ति होती है, एंड्योरेंस होता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यही होता है कि वो थोड़ा अपनी अपनी पेस पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं होते, खास तौर से उनको कुछ आप ऐसी चीज़ बताएंगे जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, उनको आप कहेंगे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो कहेंगे अगले मंडे से चालू करेंगे, या कई बार जो है उनको आप कहेंगे कि भाई ये काम मुझे चाहिए, ऑफिस में अगर काम करते हैं उनको बोलो भाई ये काम चाहिए और मुझे ये जो है फ्राइडे इवनिंग तक मुझे चाहिए, शाम तक, शुक्रवार की शाम तक इसको फिनिश कर दीजिए, तो वो हो सकता है शुक्रवार को ही चालू करेंगे उस काम को, 3-4 दिन अपने आराम से रहेंगे, लास्ट में थोड़ा शुरू करते हैं, तो ये अगेन ये कोई बीमारी नहीं है, ये उनका नेचर है और नेचर के अनुसार उनके गुण होते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की प्रकृति हमारे आयुर्वेद में जो ज़्यादातर प्रचलित हैं, हालांकि डबल प्रकृति भी होती है, किसी में दो दो दोष जो है वो ज़्यादा अधिक होते हैं, जैसे कि वात और पित्त का मिक्सचर किसी के अंदर हो सकता है, कोई वात और कफ का मिक्सचर किसी के एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है, या पित्त और कफ का, तो 3 और 3 6, और इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें तीनों ही दोष जो है इक्वल बराबर बराबर डोमिनेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं त्रैदोषिक या तीनों दोषों वाली प्रकृति। तो ऐसे 7 डिविजन्स हमारे आयुर्वेद में प्रकृति के लिए बताई गई हैं, और ये जो 7 जो प्रकृति हैं इन्हीं के आधार पर आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। पहली एप्लीकेशन इसलिए है कि जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि मैं मान लो मैं कफ प्रकृति का हूँ, और अगर मैं कफ प्रकृति का हूँ और मान लो मैं रोज ही जो हैवी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं बहुत तली हुई चीज़ें खा रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे अंदर जो है कफ ज़्यादा है और मैं वो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें सिमिलर चीज़ें ही खा रहा हूँ, तो लाइक इंक्रीजेज ऑपोजिट डिक्रीजेज, ऐसा एक प्रिंसिपल हमारे आयुर्वेद में, सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि जो सिमिलर सिमिलर गुण वाले जो गुण धर्म वाली चीज़ें होती हैं वो वृद्धि को बढ़ाती हैं, वो वृद्धि करती हैं, और जो ऑपोजिट वाली हैं वो कम करती हैं। तो अगर मैं कफ वाली चीज़ों को ज़्यादा खाऊंगा तो क्या होगा, मेरा कफ बढ़ जाएगा, तो मुझे डायबिटीज़ आ सकती है, मुझे कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, मुझे हार्ट डिजीज़ आ सकती है, ओबेसिटी आ सकती है, आजकल बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है,
तो कहीं चेक करिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रकृति जो है कफ है और वो कफ वाले खाने आप जो खाए जा रहे हैं। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते, खा सकते हैं, लेकिन रोज 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 खाएंगे। जैसे कि पित्त वाले अगर जो लोग हैं उनके अंदर अग्नि ज़्यादा है, तो पित्त वाला व्यक्ति अगर चाय पी रहा है दिन में 3-4 बार, और वो फिर जो मिर्ची भी खा रहा है, अचार भी खा रहा है, चटनी वगैरह तीखी चीज़ें खा रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा रहा है, तो पित्त बढ़ जाएगा उसको। जब जब कोई दोष हमारे शरीर में बढ़ेगा तो वो रोग पैदा करेगा। हमें अपना ओरिजिनल बैलेंस ही मेंटेन करना है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य किसको कहते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसका भी नाम है हेलो स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य जो है, ये स्वस्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा अच्छा शब्द है, इसको शायद आपने कभी एनालाइज नहीं किया होगा। स्वस्थ का मतलब होता है जो स्वयं में स्थापित होकर रहे, स्व जमा में स्थ। स्वस्थ का मतलब जो स्वयं में स्थापित होकर रहे वो स्वस्थ है, बड़ा अच्छा शब्द है। स्वयं में स्थापित होने का मतलब जो अपनी प्रकृति में ही रहे, अपनी प्रकृति से बाहर ना जाए, क्योंकि जैसे ही आप प्रकृति में से आप विषमता को प्राप्त हो गए तो वो क्या कहलाएगी, विकृति कहलाएगी। और विकृति को हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, विकृति इज द डिजीज, उसको हम डिजीज बोलते हैं। तो इसलिए आपको जो है अपनी प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार ही जो है अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ चुनना। जैसे मैंने कहा कि अगर पित्त वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ये तीखी चीज़ें खा रहा है तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी होगी उसको। लेकिन अभी करते क्या है लोग, एसिडिटी तो समझ में आ गई लोगों को, वो कहते हैं जी जलन हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, एक एंटासिड खाएंगे रोज सुबह और 5 मिनट बाद चाय पी लेंगे। तो ये ऐसे नहीं होंगे आप, ऐसे ठीक नहीं होंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगे ऐसे। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो हमने जो चीज़ बढ़ी हुई है, जो भी दोष बढ़ा है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई गोली ले ली, लेकिन अपना भोजन चेंज नहीं किया। तो ये तो ठीक उसी तरह से हुआ कि आप जो है स्नान करके बाहर निकले, आप स्नान करने गए थे शरीर को साफ करने, बाहर निकले और फिर मिट्टी डाल ली अपने ऊपर। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं और इसको आयुर्वेद में नाम दिया है प्रज्ञापराध। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे धीरे धीरे, अभी जो है मेरे ख्याल से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा इसको, इस टॉपिक को पूरा करके 2-3 मिनट और लगेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस हम लेंगे और आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तो प्रकृति से मेरा यहाँ जो मतलब यही था कि जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार अपना भोजन, उसके अनुसार ही आपको अपना जो है लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। मान लो पित्त वाले व्यक्ति को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा हीट पैदा ना हो, ऑलरेडी हीट उसके अंदर है। तो अभी अभी क्या है, जिमिंग का फैशन चल रहा है, सब लोग जिम करते हैं, चलो जी जिम जाते हैं, तो जिम में जाके पसीना निकाल रहे हैं खूब, फिर सब लोग प्रोटीन शेक पी रहे हैं। ऐसा नहीं होता आयुर्वेद में, ये नहीं। आपको आयुर्वेद में समझ लीजिए, आयुर्वेद में कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी भोजन आपको करना है, कोई भी आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने घंटे सोना चाहिए, सब चीज़ आपकी प्रकृति के अनुसार है। बड़ा सरल चीज़ है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि कार में मैंने बताया भाई, डीजल की कार है तो डीजल ही डालोगे ना उसमें, पेट्रोल थोड़ी डालोगे, पेट्रोल वाली में पेट्रोल डालोगे। ऐसी पित्त वाला शरीर है तो पित्त वाला ही भोजन डालोगे जिससे पित्त बैलेंस रहे। तो ये प्रकृति का पहला एप्लीकेशन है। और दूसरा एप्लीकेशन बड़ा सरल है, वो भी मैं आपको समझा दूँ। ये है कि जब आपकी कहीं छोटी मोटी विकृति हो जाए, बड़ी विकृति होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूरा डायग्नोसिस। लेकिन मान लो एक दिन आप सुबह उठे और आपको लगा हल्की सी मुझे जलन, अभी रोग आपको आया नहीं है लेकिन आपको हल्की सी जलन हो रही है पेट में, आपने लगा इधर कुछ जलन हो रही है, तो आपको इतना समझ आ गया कि कुछ गर्मी बढ़ गई है अंदर, तो क्या करना है। आयुर्वेद में लिखा है कि जो जो सिमिलर जो गुण वाली चीज़ें हैं, लाइक मैंने कहा था लाइक इंक्रीजेस ऑपोजिट डिक्रीजेस। तो जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी मिर्ची मसाले वगैरह, इनको बंद कर दीजिए, टेक दी ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट ले लीजिए। अग्नि के ऑपोजिट में क्या है, जल है। तो जल प्रधान चीज़ें कौन सी, आप तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, सिंपल ये प्रिंसिपल आप लगाएंगे आपका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम एक गोली खा लेते हैं और गोली खाने के बाद कोई डाइट फॉलो नहीं करते। बहुत सारे पेशेंट जब हम कंसल्टेशन करते हैं और वो 10 साल से 15 साल से परेशान है, पित्त बढ़ा हुआ है, एक्जिमा हो रहा है, एक्जिमा खुजली हो रही है, 10 साल से खुजली। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए थे, 15 साल से उसको खुजली की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, बिल्कुल पूरे शरीर में आग लगी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, मैं कि आप तो पढ़े लिखे हो,
आप बताइए क्या प्रॉब्लम। कह रहे जी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ आ गया गर्मी बढ़ गई है। तो मैंने कहा कि आप जरा बताइए क्या करते हो सुबह शाम। तो ऑफिस में काम करते हैं और चार बार चाय पीते हैं दिन में। तो मैंने कहा चाय तो बहुत गर्म होती है, चाय क्यों पी रहे हो आप? तो कहते हैं जी दो बार पी सकते हैं क्या, चार बार नहीं पियेंगे दो बार पिए। तो मैंने कहा आप जो है मेरे से ये पूछ रहे हो कि मेरे घर में आग लगी है, मैं चार बार मिट्टी का तेल नहीं डालूंगा, दो बार डाल लूँ क्या? तो यही जो है प्रज्ञापराध आयुर्वेद में लिखा है, बुद्धि का दुरुपयोग हम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो इसीलिए आयुर्वेद का ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, सरल प्रिंसिपल है, इसको आज से अपनाने की कोशिश करिए। और अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है तो इसका एक सरल सा मैं उपाय बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर होता है और ये क्वेश्चनेयर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, jeeva.com पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको एक लिंक मिलेगा, डिटरमाइन योर आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर आप उसको जाएं, उस फार्म को भरें, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बारे में कि आपका वेट कैसा रहता है, आपके मोशन कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को जब आप उत्तर देंगे तो उससे आपकी प्रकृति पता चलेगी और साथ में आपको एक लिस्ट भी मिल जाती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। या फिर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप अपनी प्रकृति के बारे में जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं थोड़े से अब प्रश्न लेना चाहूँगा, आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रश्न है कि हाउ टू टैकल दी बेली फैट, पेट का जो पेट के ऊपर जो फैट जमा हो जाता है उसको कैसे कम करें। देखिए सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि आपका फैट जो है वो बना क्यों। आपको हमेशा कारण को ढूंढना है आयुर्वेद में, कई कारण होते हैं उसके। एक कारण होता है कि आपका डाइजेशन कमजोर है, डाइजेशन वीक है, आप खा ज़्यादा रहे हैं। दूसरा कारण होता है आप सेडेंटरी हैं, लाइफस्टाइल आपका जो एक्सरसाइज नहीं करते। तीसरा कारण होता है कि आपका प्रकृति कफ वाला हो सकता है, कुछ लोग कफ वाले, उनका नेचुरली जो फैट ज़्यादा बनता है। और कोई चौथा कारण कोई रोग आपको हो सकता है। तो कारण के अनुसार चिकित्सा आयुर्वेद में की जाती है। जब भी किसी को कोई भी रोग हो, यहाँ पर आप काफ़ी सारे रोगों के बारे में पूछते हैं और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि रोग यदि है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर बात करिए। क्योंकि अगर पांच लोग फैट वाले मेरे पास आएंगे तो पांचों को एक ही दवाई नहीं देते हमारे आयुर्वेद में। हर व्यक्ति की प्रकृति, उसकी आयु, उसका देश, काल, बल, सब चीज़ देख करके फिर उसका इलाज किया जाता है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, एक छोटा सा नुस्खा जरूर मैं बताऊंगा, पेट को साफ करने के लिए रात को त्रिफला चूर्ण लें और सुबह जो है एक बड़ा कप जिसमें 300 मिलीलीटर कम से कम पानी हो, गर्म पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़िए, एक चम्मच शहद मिला करके उसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। खाने पीने में ध्यान रखिए और एक्सरसाइज थोड़ी, कम से कम आधा पौना घंटा जरूर फिजिकल एक्सरसाइज करिए। पेट को कम करने के लिए जितना ब्रिस्क एक्सरसाइज करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, थोड़ी जॉगिंग करेंगे, उससे पेट आपका कम होता है। दूसरा प्रश्न है अश्वगंधा और शिलाजीत यूजफुल फॉर वेट गेन। यस बिल्कुल, अश्वगंधा अगर आपको वजन बढ़ाना है, ये सब हमारे यहाँ रसायन है, अश्वगंधा दूध के साथ सेवन करें, उससे वेट गेन भी होता है, शक्ति भी आती है। और वेट गेन ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्स्ट्रा फैट होगा, ये आपके शरीर की धातुओं को जो पुष्ट करती है, जो हमारी टिश्यूज हैं उसको पुष्ट करती है। एक और यहाँ पर रेमेडीज है, आपका एक क्वेश्चन है कि होम रेमेडीज फॉर इची स्किन। अगेन आपको सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना है कि स्किन में मेरे जो खुजली, खारिश हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। मोस्टली पित्त के कारण होती है। सबसे पहले जो है चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। नॉन वेज अगर खाते हो बंद कर दीजिए, कोई भी गर्म चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, वो बंद करिए। और इची स्किन के लिए सरल मैं होम रेमेडी बता रहा हूँ आपको, नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम के पत्ते सुबह 5-6 चबा करके खाइए, बॉडी में नारियल का तेल लगाइए। लेकिन अगर रोग हो चुका है ऑलरेडी तो केवल होम रेमेडीज पर निर्भर मत रहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर बात करिए। हमारे जीवा के चिकित्सक भी आपको हमेशा अवेलेबल हैं। आपको मालूम है जीवा तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी काम करता है और हमारी क्लिनिक्स पूरे भारत में हैं। कहीं पर भी गूगल करके आप जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक या कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपके आसपास भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे मिल करके उसका प्रॉपर इलाज जरूर कराना है। दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज़ हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। देखिए हेल्दी डाइट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन एक सरल आपको मैं उपाय बताता हूँ। हेल्दी डाइट का मतलब होता है वो भोजन जो आसानी से पच जाए और जो पोषण आपके शरीर को देता है, इजीली डाइजेस्टेबल एंड न्यूट्रिशियस। तो उसमें
कुछ चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स बड़े अच्छे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप रात को भिगो दीजिए, नट्स, बादाम, अखरोट वगैरह, ये सुबह जो है खा ले सकते हैं आप। जो है पोहा है, उपमा है, या फिर सलाद खाइए, और मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी, आजकल जो ये चीज़ें हरी सब्जियां जितनी हैं इनका सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है मिठाई नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा खास तौर से प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जंक फूड जो होता है, या ऐसा ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ रसोई में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हम कई बार कर देते हैं, बहुत तड़का लगा दिया उसमें, बहुत ज़्यादा ग्रेवी बना दी, वो नहीं। थोड़ा सा जो उसमें पोषण है उसको नष्ट मत करिए, ओवर कुकिंग नहीं करनी। तो ये सरल है, बाकी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करिए, प्रकृति के अनुसार ही अपना जो है लाइफस्टाइल बनाइए, प्रकृति के अनुसार जॉब भी आपको देखना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही आपको अपने पार्टनर भी ढूंढने चाहिए अगर अभी नहीं ढूंढा है आपने, और अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर है तो उसमें देखिए उसकी कौन सी प्रकृति है, आपके घर वालों की कौन सी प्रकृति है, आपके बच्चों की कौन सी प्रकृति है, आपके माता पिता की, तब आप जो है एक कॉर्डियल रिलेशन बना सकते हैं। नहीं तो अगर दो पित्त वाले हैं इकट्ठे रह रहे हैं तो दोनों में आग लगी हुई है तो झगड़ा होगा ही होगा उनका, या पित्त वाले जो है वो देखते हैं कि ये कफ प्रकृति का क्या स्लो है, बहुत कुछ काम नहीं करता, उसको ऐसी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लेकिन प्रकृति तो बदलेगी नहीं और आप फैमिली भी नहीं बदल सकते अब, तो क्या करना है फिर आपको एक दूसरे से एडजस्ट होना है। आपको मालूम है कि ये कफ वाला है तो ऐसे ही रहेगा, ये पित्त वाला है ऐसा रहेगा, ये वात वाला है ऐसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आयुर्वेद में हम समझाते हैं आपको, बहुत अच्छी नॉलेज है हमारी आयुर्वेद की, बहुत अच्छी नॉलेज है, इससे जुड़ने की कोशिश करिए। एक प्रश्न यहाँ आया है, सोल्यूशन फॉर ड्राई स्किन अंडर द अंडर आई डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए देखिए सबसे सरल है, आपके घर में रसोई में थोड़ा दूध होता है, कच्चा दूध लगा करके थोड़ा मालिश करिए, या बादाम का तेल है तो बादाम के तेल से थोड़ा सा मालिश करिए सोने से पहले, बहुत अच्छा फायदा इससे मिलेगा आपको। और ड्राई स्किन के लिए तिल के तेल से मालिश करिए पूरी बॉडी में, जहाँ कहीं भी ड्राई शब्द आपको आ जाता है, भाई सूखा हुआ है तो क्या करेंगे, उसमें तेल लगाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे कोई आपका मशीन है उसमें सूख जाती तो तेल डालते हैं, दरवाज़ा जो खुल नहीं रहा है उसमें तेल डालते हैं, ये भी हमारी मशीन है, इसमें किसी प्रकार से अगर हमें कोई सूखापन कहीं नज़र आता है, ड्राइनेस, तो उसको बदलने के लिए हमें उसको ठीक करने के लिए उसमें तेल डालना चाहिए। हाउ ऑफन शुड वी कंज्यूम ग्रीन टी और एनी हर्बल टी। हर्बल टी तो आप कितनी बार भी पी सकते हैं, हर्बल टी यानी कि जिसमें कोई कैफीन नहीं है, जड़ी बूटी से बनती है, हमारे यहाँ जैसे एक आयुर्वेदिक चाय बड़ी पॉपुलर है और काफ़ी सारी चाय हैं, तो जो चीज़ें हर्बल हैं उनको केवल गर्म पानी में डाल करके पीना है तो उनका गुण जाएगा आपके अंदर, वो तो कम से कम 2-3 बार 4 बार पी सकते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल टी जो हम पीते हैं, चाय पत्ती वाली चाय, ये बहुत नुकसान करती है, इसको तो बंद ही करना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। और ग्रीन टी भी जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, ग्रीन टी बहुत सारे लोग तो जानते नहीं ग्रीन टी होती क्या है, आजकल जो हर्बल टी मिलती है लोग कहते समझते हैं यही ग्रीन टी है। ग्रीन टी क्या होती है, जो ग्रीन हमारे टी लीव्स होते हैं वो बिना प्रोसेस किए उनको जब पैक कर देते हैं तो ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, लेकिन ग्रीन टी में कुछ और हेल्दी चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ होते हैं, तो ग्रीन टी आप पी सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पीनी है, 1 बार या 2 बार मैक्सिमम दिन में उसको पी सकते हैं। सॉल्यूशन एंड टिप्स फॉर हेयर ग्रोथ। बालों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते हैं, अगर कोई आपके घर में पेड़ पौधे लगे उनमें पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएंगे, तो इसलिए जो है बहुत सारे लोगों के बाल इसलिए झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं कि उनमें ऑयलिंग ही नहीं करते। पहले जो है हम जब छोटे थे तो ऑयलिंग बहुत करते थे, हर रोज़ तेल लगाते थे, तो बालों में सप्ताह में 2-3 बार तो तेल अच्छी तरह से लगाना चाहिए। आंवले का सेवन करिए, बालों के लिए आंवला बहुत बढ़िया है, आंवला जो है आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, हमारे यहाँ च्यवनप्राश बनता है आंवले से, वो आप सेवन कर सकते हैं, आप जो है आंवले का पाउडर, आंवले की टेबलेट, ये सब अवेलेबल हैं, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हेयर केयर करना चाहिए बालों को जो है अच्छी तरह से, आजकल बहुत सारे हम केमिकल्स, शैम्पू और क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, आजकल आयुर्वेदिक मिलता है सब जगह, सभी अभी बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, हमारे यहाँ भी हम आयुर्वेदिक शैम्पू, हेयर लेप और हेयर के लिए कंडीशनर सब कुछ मिलता है, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का, उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। रेमेडीज फॉर सर्वाइकल पेन प्रॉब्लम्स इन लेडीज। सर्वाइकल पेन देखिए आप सबको, सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये सर्वाइकल पेन होता क्या है,
आपने नाम सुन लिया जी, मुझे सर्वाइकल हो गया, बस इतना। लोग आते हैं हमारे पास भी, इतनी बड़ी बड़ी वो फाइलें लेके आते हैं, मैं क्या हुआ, सर्वाइकल हो गया जी। भाई क्या है सर्वाइकल? नहीं ये तो नहीं पता जी, क्या हुआ? आपकी मांसपेशियां अकड़ गई हैं गर्दन की, सर्वाइकल वाला ये एरिया है, या लंबर में हुआ तो कमर की मांसपेशियां टाइट हो गई। क्यों टाइट हो गई? क्योंकि आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते, कभी स्ट्रेचिंग नहीं करते, कभी तेल नहीं लगाते उसमें। तो एक तो तेल बनाइए, एक बढ़िया तेल, अपना तिल का तेल ले लीजिए 100 मिलीलीटर, उसमें थोड़ा लहसुन अदरक और अजवाइन एक एक चम्मच ये डाल करके पका लीजिए। ये जो तेल बन गया इससे मालिश करिए, थोड़ा सा भाप लगाइए, सिकाई करिए, और एक्सरसाइज करिए, कंधों की एक्सरसाइज करिए, गर्दन की एक्सरसाइज करिए। खाने में बादी वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, और कोशिश करिए कि अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करिए। और जो लोग भी किसी भी रोग से पीड़ित हैं, अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि आप जो है हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करें। आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको देख करके, समझ करके, और आपको जो है ये पर्सनलाइज्ड इलाज वो आपको देगा। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये जो आज का जो सेशन है, इसमें जो है हम आपको ये प्रकृति के बारे में हमने बताया, तो आप आपसे हम उम्मीद करते हैं अपनी प्रकृति के बारे में आप जानेंगे, और अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना खान पान जरूर आप करेंगे। और इसके बाद भी जो हमारे सेशंस होंगे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसमें जुड़ना मत भूलिए। और एक बार फिर जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्वास्थ्य की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आप सभी लोगों से थोड़े से समय के लिए आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के विषय में कोई बातचीत करने का अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज ये जो महामारी चल रही है, इसमें ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, और आयुर्वेद से जुड़ना है। आयुर्वेद से जो व्यक्ति जुड़ जाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा आगे आगे। अभी आप अभी भी देख रहे हैं बहुत लोग आयुर्वेद के कारण ही जो है अपना बचाव कर पा रहे हैं। पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं। आप भी आयुर्वेद से जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।